हेलो वीवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैं कराची हलवा बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए हमें सामग्री चाहिए, देखिए, एक कटोरी मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 कटोरी चीनी, ये परफेक्ट मेजरमेंट है, और पानी मैंने 4 कटोरी ली है। इसी कटोरी से जिससे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी पानी ली है, और 3 कटोरी इसमें रखा है, 1 कटोरी अलग से रखा है। टोटल ये 4 कटोरी पानी है। थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ी सी टार्टरी जिसे हम लेमन सॉल्ट भी कहते हैं वो लिया है, और आधी कटोरी घी ली है, और थोड़े से मैंने नट्स लिए हैं। आप जो भी पसंद करते हैं वो नट्स आप ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और ये मगज लिए हैं थोड़े से। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, हमें लाल बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा भून लूँगी। अब ये हो चुके हैं, देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक कटोरी में पैन में पानी डालूंगी। नॉनस्टिक हो तो आपको चलाने में आसानी होगी, हलवा नीचे नहीं चिपकेगा। मैं 2 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी चीनी ली है और 4 कटोरी पानी ली है। चीनी अच्छे से घुल जाए तब हम उसमें कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर डालेंगे। जब तक मैं इसमें चलाती रहूँगी। देखिए, मैंने 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया था, 4 कटोरी पानी लिया था। अब मैं 1 कटोरी पानी में कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी कर मैं इसमें 3 कटोरी पानी डालूँगी। 1 कटोरी पानी मैं पैन में डाल चुकी हूँ। अच्छे से मिलाते हुए मैं इसे मिक्स कर लूँगी। देखिए, ये और 1 कटोरी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और फिर 1 कटोरी मैं और डालूँगी। टोटल 3 कटोरी यहाँ पर हो गई है। 1 कटोरी मैंने शक्कर को घुलाने के लिए रखा है। ये हमारी शुगर पक रही है, मैं फ्लेम को लो कर लूँगी। अब इसमें एक कॉर्नफ्लोर को डालूँगी। हम धीरे से इसे इसमें डाल देंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। देखिए, सारा मैंने इसमें डाल दिया है और चम्मच को बिना छोड़े मैं चलाती रहूँगी। फ्लेम को मैंने लो पर रखा है। देखिए, अभी हो रहा है, अभी इसे बहुत गाढ़ा होना है। इसे चम्मच को बिना छोड़े हमें चलाते रहना है। देखिए, ऐसे नीचे हिलाकर मैंने चेक किया, अभी ये हो रहा है। मैंने फ्लेम को लो ही रखा है, ऐसे ही चलाते रहूँगी। थोड़ा ये अच्छे से पक जाए, गाढ़ा हो जाए, तब मैं उसमें घी डालूँगी। अभी इसमें घी की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी ये हो रहा है, मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी और चलाती रहूँगी। बिना हाथ को छोड़े ऐसे ही चलाती रहूँगी। अभी ये हमारा लिक्विड है ना, घट हो रहा है। देखिए, अच्छे से ऐसे ही चलाती रहूँगी। जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें चलाते ही रहना है, वरना इसकी गांठ बन जाएगी। देखिए, अब ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अब हमें ऐसे ही चलाते रहना है। अब इसमें हम टार्टरी डालेंगे, या आप लेमन भी डाल सकते हैं, आधा लेमन इसमें काफ़ी है। ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप पानी ज़्यादा ले लेंगे तो बहुत उसे गाढ़ा करने में, हलवा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये बहुत झटपट से बन जाता है। और अच्छे से हम ऐसे चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ा भून कर उसके बाद हम कलर डालेंगे। देखिए, इसका घी अभी है तो मैं और एक्स्ट्रा घी नहीं डालूँगी। जब ये सूख जाएगा
तब मैं इसमें फिर थोड़ा सा घी डालूंगी। ऐसे ही चलाती रहूंगी। फ्लेम को थोड़ा सा मैं मीडियम पे कर लूंगी, हाई बिल्कुल नहीं करूंगी, मीडियम पे कर लूंगी। देखिए हमारा घी अभी है इसमें, ऐसे ही चलाती रहूंगी। नॉन स्टिक हो तो इसे इजी हो जाएगा, ये नीचे नहीं चिपकेगा। अगर नॉन स्टिक ना हो तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स अच्छे से हो रहा है। और थोड़ा इसमें घी डालूंगी मैं, और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें घी डाल लिया है। ऐसे ही इसे बस ऐसे ही चलाते रहना है, यही सब में बड़ा काम है हमारा। ये बिल्कुल हलवाइयों वाला जैसे बनता है, हलवाई जैसे बनाते हैं वैसा ही बनता है, और टेस्ट भी वैसा ही होता है। अब मैं इसमें फूड कलर डालूंगी, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने रखा था, उसमें डाल दिया है। देखिए हमारा घी अभी इसमें है, तो मैं और घी नहीं डालूंगी। जब ये सारा घी इसमें भुनकर ख़त्म हो जाएगा तब मैं डालूंगी, अच्छे से भूनूंगी। आप कौन सा भी कलर डाल सकते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, कोई भी कलर का आप बना सकते हैं। देखिए अच्छे से भुन रहा है, अभी इसमें घी हो चुका है, और एक चम्मच मैं इसमें घी डालूंगी। हमें घी ऊपर से दिखना चाहिए, तब तक हमें घी डालते रहना है। अभी मुझे ये स्टार्ट करके 15 मिनट्स हो गए हैं, और एक 5-10 मिनट और लगेंगे इसे भूनने में। देखिए अभी ये हमारा हलवा हो रहा है, अभी 25 मिनट्स हो चुके हैं। ये थोड़ा मेहनत का मीठा है हमारा। देखिए मैंने साइड में एक ट्रे को ग्रीस कर लिया है अच्छे से, मैं इसमें निकालूंगी। अभी थोड़ा ये होना बाकी है, देखिए कैसे हो गया है। अभी थोड़ा ठीक हो गया है, और थोड़ा ठीक होना है इसे। मैं थोड़ा सा इस पर डालकर चेक कर लूँगी ये अच्छे से ठीक हुआ है या नहीं। बहुत गर्म है अभी, मैं इसे नहीं छू पा रही हूँ। देखिए और थोड़ा ये बाकी है। हाई फ्लेम पर थोड़ा सा मैंने और अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं हमारी डिश में मैं डाल लूँगी, जो मैंने भून कर रखे थे ड्राई फ्रूट्स वो डालूँगी। हमें ये लास्ट में ही डालना है। देखिए अभी डाल रही हूँ, बस ये मिक्स जब हो जाए तब मैं जो ग्रीस की हुई हमारी ट्रे है मैं उसमें डाल लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। अगर हम ड्राई फ्रूट्स पहले ही डाल देते तो ये जल जाते, इसीलिए हमें लास्ट में ही ड्राई फ्रूट्स डालना है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी। देखिए अभी मैं ये ट्रे में डाल रही हूँ, और अच्छे से इसे सेट कर लूँगी। ये बहुत पतला नहीं करना है हमें, थोड़ा मोटा ही रहना है इसे। अच्छे से मैं एक चौक शेप दे दूँगी इसे। देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अभी 2 घंटे के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर उसे स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है ऐसे पीसेस में। हमारा कराची हलवा कॉर्नफ्लोर हलवा बनकर रेडी हो गया है, और बहुत अच्छे से परफेक्ट बना है। आप भी बनाइए घर पर, और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।